let's see the beauty of Bhutan, the Punakhatu Zone. Now we are at Punakhatu Zone, हम पहुँच गए तो एंटर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर, देखने के लिए क्या है, हमको जाना भी है जल्दी जल्दी से शॉट लेके देख के चले जाएंगे, क्या बोलते हो? हाँ यार जल्दी जाना है, टाइम भी हो गया ना बहुत ज़्यादा, तो लेकिन अंदर का खूबसूरती थोड़ा सा देख लेते हैं। We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up. The stars, no more fear of hiding. Stay where we are, we're the ones, we can break the silence. We can break the silence. तो हमारा पुनाखाटु ज़ोन का साइड व्यू हो गया, हम लोग देख लिया। उधर एंट्री के लिए 300 रुपीज़ फीस देना पड़ता है एंड आपको गोप्रो और वीडियो करना अलाउड नहीं है, सो अंदर का कुछ भी नहीं है इस ब्लॉक पे। एंड गाइस वी आर रिटर्निंग टू थिम्पू नाउ, अभी 3:30 हो चुका है, 6:30 बजे से पहले पहुँच जाते तो अच्छा होता क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना था एंड थोड़ा मार्केट जाना था थिम्पू में। ये होता है बाइकर्स वाला फीलिंग, देखते ही खुद ब खुद हाथ ऊपर कर देते हैं चीयर्स, ये हमारा फीलिंग होता है, ये हमारा यूनिटी होता है। नज़ारा था यार बहुत शानदार, लैंडस्केप था। तो इधर से थिम्पू 65 किलोमीटर फॉर थिम्पू, तो सन डाउन नहीं हुआ, चाहूँगा कि सन डाउन होने से पहले पहुँचूँ। 4 हो गया अभी, 4:10। पेच बहुत अच्छा है आज जो राइड किया चारों बाइकर्स ने, मतलब मुझे इंक्लूड करके, बहुत अच्छे पेच में, क्योंकि हमको शिलोंग वाला रोड याद आ गया था, याद ऐसा ही कुछ। क्या नाम है जगह का मालूम है क्या भाई? दुकलंग, 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 क्या दुकलंग? अच्छा वो दुकलंग छोड़ के बुजुर्ग कुछ ऐसा था। वेल द व्यू पॉइंट, थक गए यार व्यू पॉइंट में। हाँ क्या देख सकते हैं हम अभी? हिमालय, हिमालय इधर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है। आज अभी क्लाउड हो गया, मॉर्निंग को एकदम साफ था ना, हाँ साफ दिखाई दे रहा था, तब रुकना चाहिए था। इधर से हमें और 30 किलोमीटर कवर करना है फॉर थिम्पू। राइट नाउ द टाइम इज 5 एट माई वॉच, बट इन लोगों के उधर 5:30 बज चुके हैं क्योंकि भूटान का टाइम मेंटेन कर रहे हैं ये लोग और मैं मेंटेन कर रहा हूँ मेरा अपने हिंदुस्तान का टाइम। I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the road and drive real far. बहुत ठंड इधर पे, बहुत ठंड था भाई, हाँ इतना ठंड हवा, बाप रे बाप, अरे कांध मेरा पूरा लाल हो गया, इतना ठंड, 5 मिनट भी नहीं रह सकते इधर का, इतना ठंड है।
बट द लोकेशन एंड द व्यू पॉइंट वॉज ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लीन है, पूरा फूटा नहीं हालांकि बहुत क्लीन है, ठंडे की वजह से मुझे मेरा आवाज़ ऐसे निकल रहा है। एंड नाउ वी हैव टू कवर 30 किलोमीटर फॉर थिम्पू। रोड तो पूरा ठीक है, मतलब बढ़िया है, सनसेट होने से पहले पहुंचे। आशा करता हूँ कि बारिश ना आए, बारिश अगर आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब भीग जाएंगे हम लोग, रेनकोट है तब भी। और हमारा ऐसा कोई राइड नहीं है जहाँ पे बारिश ना हो आज तक। मैं बाइक लेके निकला हूँ कुछ दिनों के लिए, बारिश ना है ये हो ही नहीं सकता। 5 मिनट के लिए भी आएगा बारिश और वो 5 मिनट में पूरा भिगा देगा। A few moments later. मैं बोल ही रहा था कि बारिश ना आए, बारिश ना आए, लो बारिश आ गया, हमको भीगाना ही है रूम पहुंचने से पहले। इधर से लगभग 20 किलोमीटर होगा या फिर 18 किलोमीटर होगा, अब तो रोड स्लीपरी भी होगा, इतना भी जोर से नहीं आया बट आ रहा है बारिश, मालूम पड़ रहा है यार। आज मत आओ, कल सुबह से आ जाना, पूरा राइड पारो में बारिश बारिश खेलते रहेंगे। बुद्धा पॉइंट दिख गया, थिम्पू आ गया, तब घर में आके बारिश। हे अल्लाह, बारिश मत गिराओ आज यार। अल्लाह ने साथ साथ मेरा बात सुन लिया, अभी तो ड्रॉप्स कम हो गया कुछ, ऐसे बाकी कहीं भी बात सुना करो कभी, बहुत कुछ मांगता हूँ। ऑलराइट गाइस, हियर वी रीच थिम्पू एंड थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। एंड जैसे कि अरुप ने पहले सुबह कहा था कि वो यहाँ आ जाएगा 4 बजे से पहले और या फिर 4:30 से पहले, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग 4 बजे उधर से निकले एंड अभी लगता है टाइम 6:30 होगा। हम लोग पहुंच गए थिम्पू, 4 किलोमीटर बाकी है शायद हमारे होटल के लिए। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स होटल, उधर जाके हम लोग फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर निकल आएंगे घूमने के लिए। बारिश बारिश, कभी बारिश रुकता है कभी गिरता है, उधर तो धुमासान बारिश हो रहा है आगे दिख रहा है। तू वाईफाई में फोकट पे, वाईफाई पे मचाएंगे। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, धीरे चल धीरे चल, कोई हाई नहीं है। मेरे आगे भूटान का पुलिस पूरा गियर्स पे है भाई, साथ में पीछे लाइट आगे लाइट, मतलब पकड़ के ही छोड़ेगा, गियर्स में नहीं है बट लाइक बुलेट प्रूफ होगा शायद। तो हम होटल पहुंचने वाले हैं। और एक बात है, आप लोगों को कितने को मालूम है MUI बनता है, कमेंट मार दो भाई। भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम तो भारत में होना चाहिए। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच द होटल नाउ। तो अभी हम लोग होटल पहुंचेंगे, उधर पे जाके आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते है बंटाई लोग क्या कहता है। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन बट द थिंग इज पार्किंग नहीं है। हो गया हो गया, पूरा लाइन पे करना है पार्किंग, लाइन के अंदर। इधर पे बहुत सख्त रूल है, सख्त बंदा है जाकिर खान की तरह, ऐसे मैं भी सख्त लौंडा हूँ। तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल एंड भाई ये किसका दुकान है, किस चीज़ हैंगर का दुकान लग रहा है, हैंगर का। ओ और सिर्फ हैंगर देख रहे हैं, कपड़े नहीं देख रहे, तो बोल रहे हैंगर का दुकान है क्या? हाँ जी बताओ हमको। नहीं नहीं, नया दुकान खुला है कपड़े का, और नया खुला है तो हम क्या वो बोनी करके जाए क्या? ऐसे नहीं खुलता, ऐसे नहीं खुलता है, ऐसे ऐसे खुलता है। कैसे खुलता है? ओए नीचे देखो, तुम कुत्ते की टट्टी पे हो, देखो देखो ये जूते लेके रूम में मत घुसने रहे हमारा रूम में बाबा। नहीं लगा है तू? नहीं लगा है तो मैं जूते लेके हमारे रूम में नहीं घुसने का। कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? सो आज का राइड बहुत अच्छा गया, अभी भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सुबह सुबह हम लोग निकले, बाइक का भी काम हो गया एंड सेफली पहुंच गए। हम लोगों ने लंच नहीं किया, एक काम करते हैं लंच कर लेते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग, हेलमेट पहन के डांस करो क्या ऐसे ऐसे करके? नहीं मैं वीडियो कर लेता। टाइम कितना हुआ? 6:15 हो गया। तो इधर लंच में तुम्हारा 7:30 को दे देगा, एक घंटा डेढ़ घंटा तो लगेगा इस होटल में जहाँ पे रुक रहे हैं। 2 दिन का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, तो मैं कहता हूँ एक रनिंग होटल में पीछे के खा के आते हैं या फिर निकल के खाते हैं, कुछ करते हैं। नहीं नहीं खा के चलते हैं, निकल जो अभी वेदर है निकलने में तो भिंड बजेगा अभी। हाँ बहुत ठंड है, पहले खाने जाएंगे, खाने पहले खाना आज, क्यों तुम तो बाद में खाने वाले थे ना, अभी क्यों घुस रहे हो? आज पहले खाएंगे हम लोग, उसके बाद दूसरा फैसला रूम में जाएंगे कि नहीं। हाँ खाना पहले भाई, खाना क्यों भाई, ठंड लग रहा है, इतना ठंड लग रहा है। अगर आपका चाबी गुम हो जाता, होता है ना हम लोग का चाबी, रूम का चाबी गुम हो जाता है, तो उसके लिए हमको नया आइडिया मिला है भूटान से, थिम्पू से। ये देखो भाई चाबी, और इसका रिंग देखो, की रिंग देखो ना एक बार उठा, ये देखो, दिस इज द रिंग, दिस इज द रिंग। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है, घर के चाबी के लिए, घूम नहीं होगा। हाँ रूम के चाबी के लिए छोटा चाबी, हाँ ढूंढने में तकलीफ नहीं है, घूम तो नहीं होता, ढूंढने में तकलीफ नहीं है चाबी। हाँ है कि नहीं भाई जी? पानी में भी फ्लोट करेगा यार। हाँ पानी में भी फ्लोट करेगा ये।
मेरा मोमो आ गया, मेरा वेज मोमो, वेज मोमो खाएंगे। मेरा तो मोमो था और साथ में पराठा भी दे दिया, चार पराठा। आप लोग साइज देखोगे क्या, ये रहा हमारा कॉफी और पराठे का साइज, बराबर पराठा। ये कौन खाएगा अभी? पार्किंग का हिसाब कर रहा है, कल सुबह भी दिया, आज भी दिया पार्किंग। और कितने बार दिया पार्किंग? डेली का हिसाब डेली करना चाहिए, बेचारा पार्किंग अकेले दे रहा है। अरे इधर पे पार्किंग मोर जो का बोलती है तू दिन ना पार्किंग सब एडीएस है एक दिन। अरे तलब मुई दिसो मैं तलब एक तो दिस नीचे तुमने दिया ना, तलब तो दो बार मुई दिसो। अच्छा दो बार दिया, कौन कौन लगा था? एक बार 260 एक बार दिलम जे 260 रुपए में, मतलब 260 उसमें हम नहीं रुपए दिया, हमारा भाई अलग जगह पे ना तो बोले क्लियर है खाना बहुत अच्छा था, मोमो एंड पराठा भी एंड थोड़ा सा सस्ता भी था, कॉफ़ी भी अच्छा था, करेक्ट था। पहली बार हाँ पहली बार हमारे रेस्टोरेंट में, मतलब हम जहाँ ठहरे इधर पे टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, हमको खुद पकाना पड़ता है, ऐसा भी वक्त गया हमारा। तो अभी रूम पे जाएंगे। A few moments later. All right, guys, back to room now. अभी मार्शल और मैं रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे आज ना। नाच क्यों रहे हो इतना? ठंडा लग रहा है। ठंडा तो ठंड, आज बहुत ठंड है एंड शायद बाहर बारिश हो रहा है। जब हम आ रहे थे नहीं है, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है भाई, एकदम बढ़िया है, चकाचक बारिश वारिश नहीं है। उधर पे फुटबॉल मैच हो रहा है जहाँ पे लाइट दिख रहा है आप लोगों को, फुटबॉल मैच नहीं हो रहा है, प्लेयर्स नहीं है, मतलब खेल होगा शायद थोड़ी देर बाद, लाइट वगैरह लगे हुए हैं। चांदा मामा अभी निकल चुके हैं तो हम भी निकले रूम से और बाहर जाए घूमने के लिए। आज का राइड बहुत अच्छा गया एंड टाइम भी बहुत अच्छी तरह से मेकअप हुआ, मतलब पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम टाइम पर लौटे, बट रूप ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया था, वो इम्पॉसिबल था, मुझे भी पता था। एंड जब भी हिल्स पे मैं आया, जितना भी राइड में हिल्स पे किया, लोग मुझे पूछते हैं अब कहाँ से आए, नीचे से या ऊपर से? मैं सोच रहा हूँ नीचे से, मतलब और ऊपर से, मतलब लोग कहाँ से आते हैं? अरे एक क्वेश्चन अजीब सा लगा मुझे, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि पूछते कि आप कहाँ से आए, नीचे से या ऊपर से? आप कहाँ जा रहे हो, नीचे हो, नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे? अजीब क्वेश्चन है भाई, होता है ऐसा क्वेश्चन करता है लोग, मतलब हिल्स के लोग बहुत नीचे वाले, ऊपर वाले, अब ऊपर जा रहे हो, मतलब हम लोग डर जाते हैं, ऊपर जा रहे हो तो हम लोग दूसरा ऊपर सोचते। ओके गाइस, तो कल जाएंगे हम लोग पारो हवेली एंड क्या है, टाइगर नेक्स्ट और सेलला पास। तो जो भी हो कल पारो से कहाँ जाएंगे वो तो कल का ब्लॉग में ही आएगा ना, रात को कैबिनेट मीटिंग बैठेगा इधर पे, कहाँ जाएंगे कौन सा रूट लेंगे, क्योंकि किसी को सैटरडे को घर जाना है, किसी को संडे को। हाँ ये कैबिनेट मिनिस्टर सब मिलके रूट बनाएंगे, कल जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट गाइस। गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑलवेज राइड सेफ, सी यू एट नेक्स्ट ब्लॉग।